मेरी कॉल अटेंड नहीं करी थी, मैं समझ गई कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। क्या बताती तुम कि मेरी मामा मेरी खुशियों को अपनी अना का मसला बना बैठी? यार बहुत अजीब एटीट्यूड है आंटी का। मुझे तो हैरत है कि आंटी ने फारिस के अबू को सिर्फ इसलिए बुलाया कि सामने बिठा कर रिजेक्ट कर सके। तुम्हें ये सोचकर अफसोस हो रहा है ना? मैं तो ये सोच रही हूँ कि उन पर क्या गुजरी होगी। अलुष्मा तुमने आंटी को बताया था कि तुम क्या चाहती हो? बखूबी अंदाजा था उन्हें इस बात का। फारिस से बात हुई तुम्हारी? क्या बात करती थी उससे? उसके किसी सवाल का जवाब ही नहीं है मेरे पास। तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। खुश तो तुम भी बहुत थे अलुष्मा। आंटी को तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। मामा ने तो ये भी नहीं सोचा कि जुबैर अंकल भाभी के पापा हैं। मेरी वजह से ना सही, कम से कम भाभी की वजह से उनकी इज्जत कर लेती। प्लीज संभालो खुद को यार अलुष्मा। इस अब अंदाजा हो गया है मुझे कि मेरे नसीब में मोहब्बत लिखी नहीं। वक्त ने ये साबित कर दिया कि सारे मुझे डिजर्व नहीं करता, और अब मैं फारिस को डिजर्व नहीं करती। इतना टूट कर चाहा था उसने मुझे, हमेशा मुझे इज्जत दी, मेरी बात का मान रखा, और बदले में मैंने उसे क्या दिया? सिर्फ रिजेक्शन। सबा पता नहीं क्या गुजर रही होगी, उस पर मुझे बराबर का शरीक समझ रहा होगा वो। ताकि वो अपने बाबा की इंसल्ट कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? नहीं अलुष्मा, वो मोहब्बत करता है तुमसे, और तुम खुद तो बोल रही हो कि उसने हमेशा तुम्हारा मान रखा है और तुम्हारी इज्जत की है, तो वो अभी भी तुम्हें सबका कसूरवार नहीं समझेगा। प्लीज मत सोचो ऐसी बातें।